क्या आपको पता है गाड़ियों में जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो इतने अलग अलग कलर्स की क्यों होती है? आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि किसी गाड़ी में व्हाइट नंबर प्लेट होती है तो किसी गाड़ी में येलो नंबर प्लेट होती है और किसी गाड़ी में ब्लू नंबर प्लेट भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसा क्यों है और इसका मतलब क्या होता है? तो जो व्हाइट नंबर प्लेट होती है वो प्राइवेट कार्स के लिए होती है, मतलब ऐसी कार जिसे आप ओन करते हैं और अपने पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं। यानी कि अगर आप अपनी कार खरीदते हैं तो आपको व्हाइट नंबर प्लेट मिलेगी। अगर आपने कोई ट्रक खरीदा और उसमें माल इधर उधर भेजने का काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए आपको येलो नंबर प्लेट मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ियां कमर्शियल कैटेगरी में आती है। बेसिकली एक ऐसी चीज जिससे आप पैसा कमा सकते हैं या फिर एक ऐसी गाड़ी जिससे आप पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियों के लिए येलो नंबर प्लेट होती है। जैसे कि आपने कोई कार खरीदी और आप उसे कमर्शियली यूज कर रहे हैं ओला या उबर के थ्रू, तो आपको येलो नंबर प्लेट मिलेगी। इसीलिए जितने भी ऑटो, टैक्सी, बसेस और ट्रक होते हैं उनमें येलो नंबर प्लेट होती है, क्योंकि उसके ऑनर्स उसे पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। दिल्ली में या फिर ऐसे ही बड़े शहरों में आपने ब्लू नंबर प्लेट भी कभी ना कभी देखी होगी। आपको बता दें, फॉरेन एम्बेसीज की गाड़ियां ब्लू नंबर प्लेट के साथ होती हैं, यानी कि फॉरेन रिलेटेड गाड़ियां, मतलब व्हीकल्स बिलोंगिंग टू ए फॉरेन डिप्लोमेट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्सुलर कॉर्प्स और डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के लिए ब्लू नंबर प्लेट्स होती हैं, और जिस नंबर प्लेट में आपको एरो देखने को मिलेगा वो गाड़ियां होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इश्यू करती है, यानी कि मिलिट्री व्हीकल्स और आर्म्ड व्हीकल्स में आपको एरो देखने को मिलेगा। किसी ट्रैफिक पुलिस की हिम्मत भी नहीं होती ऐसी गाड़ियों को रोकने की जिसमें एरो बना होता है। और एक ग्रीन नंबर प्लेट भी होती है और वो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब इसके लिए ग्रीन ही क्यों चुना गया है? क्योंकि बैटरी वाली गाड़ियां इको फ्रेंडली होती हैं और पॉल्यूशन भी नहीं करती, इसलिए उसको ग्रीन से डिपिक्ट किया गया है। अगर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड बढ़ता है तो रोड पे आपको केवल ग्रीन नंबर प्लेट की ही गाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो अब से आप रोड पे जो भी गाड़ियां देखोगे तो उसके नंबर प्लेट को देखते ही आप समझ जाओगे कि वो गाड़ी किस कैटेगरी की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें और इसी तरह हर फैक्ट्स के पीछे की सच्चाई आप जान सकें।